orientation session. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. It's 15 days online capacity building and preparatory course for you people. जो कि एजुकेशन प्रोफेशनल कोर्सेज जो आप लोगों के लिए हैं मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में, सो उनको मद्देनजर रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है. बिफोर स्टार्टिंग द ओरिएंटेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हु एम आई? आई एम तारिक अली, वर्किंग एज इंस्ट्रक्टर इन BPS 18 रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन, खैबर पख्तूनख्वा में एज इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहा हूँ. एम ए इंग्लिश किया हुआ है और साथ में एम फिल एजुकेशन. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में विजिटिंग फैकल्टी में बाद में पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ा चुका हूँ. यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के MEd क्लासेस, BEd क्लासेस वगैरह उनके साथ ले चुका हूँ. बादशाह यूनिवर्सिटी चारसद्दा जो है एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट MPhil की क्लासेस वहाँ पे लेता रहा हूँ. कोतवा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में MA इंग्लिश को पढ़ा चुका हूँ, BEd और MEd को पढ़ा चुका हूँ, और बादशाह यूनिवर्सिटी के साथ एज रिसर्च सुपरवाइजर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ. एज रिसोर्स पर्सन के तौर पर जो पाकिस्तान की सबसे लीडिंग अकेडमी है, दैट इज अकेडमी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जिसको IPAM भी कहते हैं, उनके साथ एज रिसोर्स पर्सन या ट्रेनर के तौर पे काम कर रहा हूँ. इसके अलावा पाकिस्तान अकेडमी फॉर रूरल डेवलपमेंट, जिसको PARD भी कहते हैं या रूरल अकेडमी भी कहते हैं, तो उनके साथ एज रिसोर्स पर्सन के तौर पर काम कर रहा हूँ. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जो पब्लिशर है पाकिस्तान में, सो उनके साथ एज रिसोर्स पर्सन और रिव्यूअर के तौर पर काम कर रहा हूँ. आफाक जिनके टेक्स्ट बुक्स वगैरह प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाए जाते हैं, तो उनके साथ भी एज ट्रेनर के तौर पर भी और एज डेवलपर के तौर पर भी काम कर रहा हूँ. PARD एजुकेशन फाउंडेशन, अभी चूंकि नया मर्ज डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं, सो मर्ज एरियाज एजुकेशन फाउंडेशन उनके साथ एज ट्रेनर के तौर पर. लिटरी स्कूल्स है KP लेवल पर, कैडेट कॉलेजेस हैं, सो उनके साथ एज रिसोर्स पर्सन के तौर पर भी काम कर रहा हूँ. हेल्विटास, होप 87 और सिस्टी मुख्तलिफ एन जी ओज वगैरह हैं, इंटरनेशनल एन जी ओज हैं, तो उनके साथ मुख्तलिफ कैपेसिटीज में DRR पे और PTC वगैरह पर काम कर चुका हूँ. लर्निंग मैट्रिक्स टास्क फोर्स LMTF ऑफ पाकिस्तान का मेम्बर हूँ, और इंटर प्रोफेशनल टेक्निकल वर्किंग ग्रुप IPTWG उनका भी मेम्बर हूँ. एज रिव्यूअर के तौर पर टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ एज रिव्यूअर के तौर पर भी काम किया है, एज ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम किया है. फीस जो प्रोविंशियल एजुकेशन असेसमेंट सेंटर है, तो उनके साथ एज आइटम डेवलपर के तौर पर, आइटम रिव्यूअर के तौर पर, पेपर सेटर के तौर पर काम कर चुका हूँ. इवन ट्रांसलेशन के तौर पर, ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम कर चुका हूँ. ये बैच 3 है, इससे पहले 2 बैचेस सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह वो कंडक्ट करा चुका हूँ. इट्स यूर 1 जो अभी मंडे से शुरू होगा, सो इट्स द 3rd 1. पैरेलल एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा, लर्न टू लीड विद तारिक अली, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो एकेडमिक टॉपिक्स है तो उन पर वीडियो लेक्चर्स हैं मेरे. सो इट वॉज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. अब चलते हैं किस पर्पज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं. तो ये जो आज की जो ओरिएंटेशन सेशन है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये हैं कि एक तो आपको इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स का मैं बता दूं कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन किया होगा, सो वहाँ पर आपको थोड़ी नो हाउ तो डिवेलप आप लोगों की हो चुकी होगी, लेकिन आई वॉन्टेड दिस ओरिएंटेशन सेशन के आप लोगों को तफसीलन बता दूं कि इस कोर्स के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो 15 डेज कोर्स है. फिर ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ जो कंटेंट है इस कोर्स का, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ मेरे 5 मेन एरियाज जो थे वो आइडेंटिफाई करके दिए थे आप लोगों को, लेकिन यहाँ पर डिटेल के साथ कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन कौन से कंटेंट है जिनको हम 15 डेज के अंदर कवर करेंगे और किस तरह से कवर करेंगे. सो ये भी आज मैं आपके लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. फिर डिलीवरी मैकेनिज्म क्या होगा कि ये जो कोर्स है 15 डेज ये किस तरह से होगा, जूम पे किस तरह से होगा, लिंक्स वगैरह किस तरह से शेयर किए जाएंगे, पासवर्ड्स वगैरह किस तरह से शेयर किए जाएंगे, एट द एंड सर्टिफिकेट्स आप लोगों को किस तरह से मिलेंगे वगैरह वगैरह, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे. सो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिलीवरी मैकेनिज्म आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा. और आखिर में आई रिक्वेस्ट के बीच में आप लोग अगर सवाल ना करें और अपने पास नोट कर लें, आखिर में क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, तो अगर कोई चीज़ें रह जाती हैं सो आप आखिर में लाजमन सवालों के मुताबिक कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए. अब लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स, के ये कोर्स जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. मेन ऑब्जेक्टिव्स मेरे जहन में जो इस कोर्स के हैं,
जो 15 डेज का कोर्स है कि आई वांट टू गिव कंसेप्चुअल क्लैरिटी टू कोर्स पार्टिसिपेंट्स कि जितने भी कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं तो बीइंग अ ट्रेनर क्योंकि मोर देन 10 इयर्स मैं एज ट्रेनर के तौर पर मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा हूँ स्पेशली टीचर ट्रेनिंग और जो एजुकेशन मैनेजर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स सो वहाँ पर बड़े छोटे छोटी बातें होती हैं लेकिन द पार्टिसिपेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड दोज कंसेप्ट्स अच्छा और पार्टिसिपेंट इस हैं कि उनको आवाज़ नहीं आ रही सो प्लीज अपने हैंड्स फ्री या माइक जो हेडसेट हैं तो उनको इस्तेमाल कर लीजिए सो इट विल देन बी लॉट बेटर या शायद आपके कनेक्टिविटी का कुछ इशू हो सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोर्स इज के मैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दूँ उन टॉपिक्स के मुताबिक उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के मुताबिक उन कंफ्यूजिंग टॉपिक्स के मुताबिक जो कि मोस्टली टीचर्स आर नो वेरी रिलेटेड अबाउट मिसाल के तौर पर करिकुलम तो करिकुलम की डिफिनीशन तो सबको आती है लेकिन करिकुलम का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके मुताबिक अगर फिर मजीद उनसे पूछा जाए सो दे आर अनेबल टू सेटिस्फाई यू इस तरह से आम अगर सिंपल में कुछ मिसालें दे दूँ एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सिंपल सी बातें हैं लेसन प्लान किस तरह से डिवेलप किया जाता है इस प्लान के स्टेप्स वगैरह कौन कौन से होते हैं सो दीज आर दोज थिंग्स वे आर दे मे नो द स्टेप्स बट दे मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट दोज स्टेप्स हाउ टू इंटरप्रेट सो मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दूँ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के मुताबिक फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नेवर फाइंड इन टेक्स्ट बुक्स या बुक्स में या हेल्पिंग मटेरियल में आप लोगों को जिनके मुताबिक ज़्यादा मालूम कभी भी नहीं मिल सकती मिसाल के तौर पर कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं एस ओ एस स्कीम ऑफ स्टडी तो सिर्फ अगर आप देख लें तो एक वर्ड या एक पैराग्राफ की डिफिनीशन आप लोगों को मिल जाएगी वर्ड स्कीम ऑफ स्टडी लेकिन डिटेल में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है एस ओ एस का बहुत कम लोगों ने देखा इस तरह करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो है किताबों के अंदर आप लोगों को कुछ भी इसके मुताबिक नहीं मिलेगा इस तरह करिकुलम की डिफिनीशन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी लेकिन नेशनल करिकुलम 2006 है क्या इसकी कॉम्पिटेंसीज क्या है इसे लॉज बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स वगैरह सो ये वो चीज़ें हैं ये चंद मैंने मिसालों के जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिख ली कि जिनके मुताबिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को किताबों में बिल्कुल नहीं मिलेगी नाउ हाउ एम आई एबल टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू यू पीपल एंड हाउ आई विल बी एबल टू क्योंकि मैं मटीरियल डेवलपमेंट का काम कर चुका हूँ के पी लेवल पर जो इंडक्शन प्रोग्राम था अभी जो रिसेंटली चल रहा है सो उसके लिए जितना भी मटीरियल था इंग्लिश का स्पेशली सो आई वॉज पार्ट ऑफ दैट और टीचिंग मेथोडोलॉजीज पे जो असेसमेंट पे मॉड्यूल लिखा है सो उसका भी मैं हिस्सा था इस तरह ग्रेड 5 के लिए जो असेसमेंट हुई थी इससे पहले उसके लिए जो आइटम्स वगैरह बने थे सो उसको उसका मैं हिस्सा रहा रिव्यूअर के तौर पर भी काम किया ट्रांसलेटर के तौर पर भी काम किया सो इस करिकुलम डॉक्यूमेंट को क्लोजली मैंने देखा सीआईएफ को क्लोजली मैंने देखा स्कीम ऑफ स्टडी को बड़े क्लोजली देखा सो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट शेयर दीज थिंग्स विद द पीपल आल्सो जो कि आम टीचर के दस्तरस में ये चीज़ें नहीं होती लफ्ज अल्फाज सुने होते हैं सो इस ट्रेनिंग के जरिए मैं आपको रियल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगा और उनके स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा कि कंपिटेंसी किसे कहते हैं कहाँ पे होती हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर सिलोस कहाँ पे लिस्टेड या स्टेटेड होते हैं बिच मार्क्स किसे कहते हैं स्टैंडर्ड एक्सेट्रा दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स दीज थिंग्स यू विल नेवर फाइंड इन बुक्स अनदर ऑब्जेक्टिव जो मेरे जहन में है दैट इज के आई वॉन्ट दैट यू पीपल बिकम मोर प्रोफेशनल टीचिंग मेथड्स और मेथोडोलॉजीज पर एक सेशन लास्ट टाइम मैंने हुआ था एंड दैट वॉज रियली मच अप्रिशिएटेड क्लासरूम मैनेजमेंट पर आप लोगों को तफसीलन बताऊंगा कि कंसेप्ट है क्या और हाउ टू कंट्रोल द क्लास हाउ टू गेट अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स हाउ टू डील विद द नॉटी स्टूडेंट्स फिर डिफरेंट जो टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज है तफसीलन इस पर भी बात होगी ताकि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाए दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इसके अलावा TUS कैसे कहते हैं टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन कैसे कहते हैं MCQs किस तरह बनाए जाते हैं CRQs रूब्रिक किस तरह से इनके लिए गाइडलाइन वगैरह ये चीज़ें जब आप सीख जाते हैं यू विल बिकम मोर प्रोफेशनल एंड द लास्ट वन इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट लर्नर्स बेस प्रोवाइड करना दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग दीज 15 डेज आगे उसके ऊपर फिर बुनियाद के बेस पर इमारत तामीर करना दैट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी सो मेरे जहन में जो 4 ऑब्जेक्टिव है इस कोर्स के एक तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दूं, बुक से हटकर आपको ऐसी नॉलेज दे दूं, जो कि आपको किताबों में बिल्कुल नहीं मिलती एंड इट विल हेल्प यू नंबर 3 कि यू विल बिकम मोर प्रोफेशनल आप TUS को जान सकेंगे मुख्तलिफ
types of questions kis tarah se banaye jate hain wagera wagera, so it become more professional. Or in study ke zariye I would like to make you people independent learners, jahan se aap khud se soochna shuru kar denge aur phir khud se padhna shuru kar denge. Ab jo content is course ke liye select kiye gaye hain, so they are according to FPSC, jo Federal Public Service Commission hai, jo Punjab Public Service Commission hai, jo Sindh Public Service Commission hai, ya KPPSC jo Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission hai, so wahan ke syllabus se liya gaya hai. अब एफपीएससी और पीपीएससी का सिलेबस तो मौजूद था, एसपीएससी और केपीपीएससी के पेपर्स को लेकर वहां से मैंने कंटेंट्स उठाए जो मोस्टली रिपीटेड थे या जिनसे आपके पेपर्स वगैरह कवर हो सकते हैं. और बीइंग चूंकि मैं खुद दो दफा कमीशन क्वालिफाई कर चुका हूं अभी लेटेस्ट 18 ग्रेड के लिए, सो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे तो उन्हीं के बेस पर, तो इट विल नॉट ओनली हेल्प यू इन प्रिपरेशन फॉर द रिटन पेपर्स फॉर एग्जाम्स आल्सो बट फॉर द इंटरव्यूज आल्सो. सो आपका जो कंटेंट है लेटर ऑन अभी मैं डिस्प्ले करके आपको बता दूंगा कौन कौन से कंटेंट्स है, वो बिल्कुल पब्लिक सर्विस कमीशन के कंटेंट के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से बनाए गए हैं. फिर कुछ इजाफी बातें थी, क्योंकि बैच वन जब खत्म हुआ तो उसके खिताब पर फीडबैक लिया गया और वहां पर टीचर्स की रिक्वेस्ट थी कि आप लोग कुछ इजाफी चीजें अदर देन जो कमीशन की तैयारी के लिए है, ताकि प्रोफेशनल टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी हो जाए. सो ETUS पेपर सेटिंग किस तरह से की जाती है, पेपर का फॉर्मेट किस तरह से होता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल रिकॉर्ड वगैरह, तो ये चीजें भी शामिल की जाए. सो इन बैच टू आल्सो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के मुतालिक एक सेशन, बल्कि एक पूरा वीक हमने डिजाइन किया था. और इस दफा भी एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट EPM एंड ELM, तो इसके लिए पूरा एक वीक रखा गया है, ताकि अगर कोई प्रिंसिपल या हेड टीचर या स्कूल हेड के तौर पर अगर आप लोग काम कर रहे हैं, सो आप लोग एटलीस्ट यू मस्ट नो हाउ टू डील इन डिफरेंट सिचुएशंस. सो दीज थिंग्स हैव बीन एडेड एंड दैट वाज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स. अब अगर आप इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, हेड मास्टर, सीनियर हेड मास्टर, इंस्ट्रक्टर, सीनियर टीचर, SST वगैरह के लिए या TGT के लिए अगर आप अपियर हो रहे हैं, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सिलेबस है, सो इट्स अबाउट दीज फोर सब्जेक्ट्स वी कैन से. जो पार्ट थ्री पेपर प्रोफेशनल का होता है 25 मार्क का, सो उसमें ये फोर सब्जेक्ट्स जो है शामिल होते हैं. नंबर वन इज डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मटीरियल, और उसके अंदर फिर ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, नीड असेसमेंट या TNA उसको कहते हैं, एम्स ऑब्जेक्टिव्स, टैक्सोनॉमी, एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट वगैरह वगैरह. नंबर टू जो है प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ ICT, दीज थ्री थिंग्स आर कवर्ड अंडर दिस वन. तीसरा जो पोर्शन है या तीसरा जो पार्ट है, तीसरा जो सब्जेक्ट है वी कैन से एजुकेशन वाला, एजुकेशन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, और इसके अंदर जो टॉपिक्स है तो कंसेप्ट ऑफ क्लासरूम असेसमेंट इवेल्युएशन, डिफरेंस वगैरह वगैरह, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेस्ट वगैरह वगैरह. जो फोर्थ नंबर पेपर है, सो दैट इज अबाउट रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन. सो दीज आर द फोर वी कैन से सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड फॉर द कोर्स ऑफ प्रिंसिपल, हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर वगैरह. करिकुलम के मुतालिक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी के मुतालिक है, असेसमेंट के मुतालिक है, और जो रिसर्च मेथड्स इन एजुकेशन है तो इनके मुतालिक है. जो पेपर लेक्चरर्स के लिए है, इट्स अबाउट प्रिंसिपल हेडमास्टर, सीनियर हेडमास्टर्स. जो लेक्चर के लिए पेपर बनता है, तो उसके जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो सिलेबस है, उसमें थ्री सब्जेक्ट्स वी कैन से एडेड फ्रॉम एजुकेशन, टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन. सो इफ यू लुक एट दीज थिंग्स, करिकुलम, टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज, एजुकेशनल असेसमेंट एंड रिसर्च इन एजुकेशन, और यहाँ पर भी दो चीज़ें वहीं से आ रही हैं, बल्कि तीनों की तीनों चीज़ें वहीं से आ रही हैं. सो वी हैव क्लब्ड द कोर्स इन सच अ वे कि ना सिर्फ ये अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इट विल हेल्प यू ओवर देयर ऑल्सो, और अगर आप प्रिंसिपल, हेड मास्टर या सीनियर हेड मास्टर, TGT वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो इट विल हेल्प यू देयर ऑल्सो. अब इस कंटेंट को हम कवर किस तरह से करेंगे, सो
डिफरेंट कंटेंट्स फर्दर फिर इनके लिए कंटेंट्स जो है इन सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे टीचिंग टेक्निक्स हो, क्लासरूम मैनेजमेंट हो, टेस्टिंग एवेल्युएशन हो, या करिकुलम हो, टीचिंग मेथोडोलॉजीज हो, असेसमेंट हो, या रिसर्च इन एजुकेशन हो. तो दीज आर द कंटेंट्स व्हिच विल बी कवर्ड इन 15 डेज. करिकुलम एंड इट्स टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल्स, एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस, नेशनल करिकुलम 2006, की लर्निंग एरियाज और कॉम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स बेंचमार्क सिलेबस ये किसे कहते हैं, करिकुलम इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क किसे कहते हैं, स्कीम ऑफ स्टडीज किसे कहते हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या ब्लूम टैक्सोनॉमी, बड़ी डिटेल के साथ इस पर बात होगी, टीचिंग मेथोडोलॉजीज पर बात होगी, क्लासरूम मैनेजमेंट कंसेप्ट, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, लेसन प्लान डेवलपमेंट, लर्निंग थीरीज ऑफ प्रोमिनेंट एजुकेशनल एजुकेशनिस्ट लाइक पियाजे, साइमन फ्रायड, करंडाइक साहब, स्किनर, पावलोव और वाइबर्स्की. इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मुख्तलिफ जो एमसीक्यूज हैं, आरआरक्यूज हैं, ईआरक्यूज वगैरह, सो व्हाट आर दे, हाउ टू डेवलप एमसीक्यूज या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन किस तरह से डेवलप होंगे, इनके लिए गाइडलाइंस, रूब्रिक्स किसे कहते हैं, इनकी अफादियत क्या है, फ़ायदा क्या है इसका, क्यूएस किसे कहते हैं, पेपर सेटिंग में इसकी अहमियत क्या है वगैरह, आइटम वाइज एनालिसिस इसका फ़ायदा क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, प्रोसेस क्या है और इसका फिर फायदा क्या होगा, असेसमेंट एंड इट्स टाइप ऑफ असेसमेंट्स, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉन रेफरेंस असेसमेंट्स, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च किसे कहते हैं, फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जिसको EPM भी कहते हैं, एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रिंसिपल्स. So these are the detailed contents which will be covered during these 15 days. अब आपको ये content बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन we will have 15 days. So 15 days are good enough to cover these things. और already चूंकि 2 batches मैं cover कर चुका हूँ, और ये भी नहीं कि we never run through the topics. उनसे दौड़ कर नहीं जाते, बल्कि conceptual clarity देकर फिर आगे बढ़ते हैं. That is my way of teaching. अब week wise breakup भी इनके लिए बनाया हुआ है कि जो वीक वन होगा तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे इन्हीं 26 टॉपिक्स में से, जो वीक टू होगा तो उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है जो कवर होंगे, जो वीक थ्री है तो उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, और वीक फोर जो है कौन कौन से टॉपिक्स होंगे. हर वीक के लिए हम एडवांस में आप लोगों के साथ टॉपिक्स शेयर किया करेंगे. आप लोग जो है उस पर खूब तैयारी कर लिया करें. जब सेशन हो तो फिर आप लोगों के लाजमी बात जहन में कुछ सवाल वगैरह पहले से होंगे, कुछ ड्यूरिंग द सेशन अराइज होंगे, सो फिर उस पर डिस्कशन भी की जाती है एट द एंड ऑफ द सेशन. सो इस तरह से हर एक डे वाइज और वीक वाइज हम एडवांस में भी शेयरिंग करते हैं पार्टिसिपेंट्स के साथ, ताकि वो पूरी तैयारी करके साथ तैयारी करके आए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के जिन में जुड़ जाते हैं. अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज के तरीकाकार क्या होता है इस ट्रेनिंग सेशन का या इस कोर्स का. नंबर वन, कोर्स फी जो है इसके लिए ₹2000, जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों ने एडवर्टाइजमेंट देखी हो तो वहां पर भी मेंशन है 2000. इट कैन बी डिपॉजिटेड वाई इजी पैसा के जरिए भी और जेस कैश के जरिए भी इस नंबर पर, जो ऑलरेडी आप लोगों के पास होगा भी. सो यू कैन डिपॉजिट इन एनी वे, वेदर इजी पैसा और जेस कैश. लेकिन जब आप डिपॉजिट करें तो स्क्रीन शॉट लाजमन ले लें, फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें. So your name will be added in the final enrolled or registered list. Assessment किस तरह से की जाती है? जितने भी course participants हैं, जो enrolled participants होते हैं, तो उनके लिए pre-test होता है training से पहले, और यानी course से पहले, और एक post-test भी होता है. फिर प्री और पोस्ट टेस्ट की एनालिसिस करके पार्टिसिपेंट के साथ हम शेयर करते हैं कि आपकी पहली परफॉर्मेंस क्या थी और बाद में आप लोगों की परफॉर्मेंस क्या है. मूड जो है जूम ऐप जिस पे अब भी आप लॉग इन हुए हैं, सो इसी जूम ऐप को इस्तेमाल करते हैं. लिंक्स हर सेशन से आधे घंटे पहले लिंक भी शेयर करते हैं और पासवर्ड भी शेयर करते हैं सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स के साथ, बल्कि एक अलग ग्रुप अभी मैंने बनाया हुआ है. तो जितने जितने लोगों ने फी वगैरह सबमिट की है तो उनको वहां पर बाकायदा लिंक्स भी दिए जाएंगे और पासवर्ड भी दिए जाएंगे, ग्रुप में भी शेयर किए जाएंगे, और इंडिविजुअली आपके जो रजिस्टर्ड नंबर्स होंगे मेरे पास, सो उन पर ये
लिंक्स और पासवर्ड वगैरह शेयर किए जाएंगे। प्रपोज टाइमिंग अभी तक जो हम लेकर चल रहे थे, सो वी हैड स्टार्टेड फ्रॉम 7 to 8, लेकिन चूंकि अब डे जो है कम हो रहा है और नाइट इज एक्सपेंडिंग, सो 3 ऑप्शंस आर ओवर देयर, या 4 to 5 बजे, 5 to 6 बजे और 7 to 8 बजे, इनमें से कोई भी एक। लेकिन बाहमी मुशावरे से जितने भी कोर्स पार्टिसिपेंट्स होंगे उनसे राय लेकर के उनके लिए जो भी टाइम कन्वीनियंट हो, लेकिन एक टाइम रखा जाता है जहां पर मेजॉरिटी ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। वीक के अंदर 4 days ट्रेनिंग होगी, मंडे टू थर्सडे 4 दिन सेशन होंगे, मंडे टू थर्सडे, मंडे ट्यूजडे वेंसडे थर्सडे, और ड्यूरेशन जो है 1 घंटे की होती है, बल्कि 1 घंटा 20 मिनट, चूंकि एक सेशन 40 मिनट्स का, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक हम करते हैं, उसके बाद फिर एक अनदर सेशन, फिर आखिरी जो 20 मिनट्स है तो वो क्वेश्चन आंसर के लिए होते हैं। सो वी कैन से दैट 1 घंटा और 20 मिनट का सेशन होता है। डिलीवरी बूट जिस तरह के अभी मैं प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने डिस्प्ले की है मैंने, इस तरह से प्रेजेंटेशन होगी, लाइव प्रेजेंटेशन और लेक्चर दिया जाएगा, कंटेंट्स इस तरह से डिस्प्लेड होंगे जिस तरह के अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। एट द एंड जब एक घंटा सेशन कंप्लीट हो जाता है तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, जहां पर पार्टिसिपेंट सवाल कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द सेशन भी उनको इजाजत होती है कि वो उनको अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आवाज की बजाय चैट बॉक्स में वो लिख लेते हैं और वहां से फिर आई रिस्पॉन्ड कर। जितने भी लेक्चर्स होते हैं वो दे आर रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डिंग के बाद देन दे आर शेयर्ड विद द पार्टिसिपेंट्स, लेकिन जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके साथ वो ओरिजिनल जो लेक्चर्स होते हैं वी शेयर विद देम, क्योंकि शायद आप लोगों में से बाज़ औक़ात कनेक्टिविटी का इशू हो, आवाज ना आ रही हो, या कोई और इशू भी हो सकता है, सो दो लेक्चर्स काशी राव एंड हिज क्वेश्चन इज के जो तैयारी होती है सो वो मोस्टली यूट्यूब पर वो सब्जेक्टिव होती है, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं सो उनके मुतालिक आप के लेक्चर्स या वहाँ पे टॉपिक्स वगैरह नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली राइट काशी राव, देखें ऑब्जेक्टिव की कोई तैयारी एज सच नो वन कैन डू दैट, क्योंकि वी डोंट नो विच क्वेश्चन विल कम। अगर आप एक्सपेक्टेड 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन ऑल राइट, बट इट कैन नेवर कवर द होल पेपर देन। और जो एजुकेशन के से रिलेटेड जो पेपर का पोर्शन है सो वो डिस्क्रिप्टिव ही है, मोस्टली डिस्क्रिप्टिव है। जब मोस्टली डिस्क्रिप्टिव है सो वहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू जो स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आप सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पूछे जाते हैं, जबकि इन ट्रेनिंग सेशन में या यूट्यूब पर जो मेरे वीडियोज होते हैं सो हम पार्टिसिपेंट्स को कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे देता हूँ, जहाँ पर वो अपनी तरफ से फिर उस पर डिस्कशन कर सके, अपनी तरफ से उसके ऊपर लिख सके, क्योंकि पेपर भी डिस्क्रिप्टिव ही है, इसलिए मोस्टली सब्जेक्टिव पोर्शन ही मैं कवर कराता हूँ। नंबर वन। नंबर टू, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं तो उनके लिए फिर ग्रुप के अंदर आई शेयर डिफरेंट मटीरियल, यानी जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स होते हैं तो उनके लिए फिर मैं हैंड आउट्स, इफ यू लुक एट दैट लास्ट पोर्शन जो मैकेनिज्म का था के हैंड आउट्स और जो भी अदर रिलेवेंट मटीरियल होते हैं तो फिर मैं वो ग्रुप में उनके साथ शेयर करता हूँ कि मैंने आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो दे दी, लेकिन इससे हटकर अगर आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स चाहिए, कब पैदा हुआ था, किसने थीरी पेश की थी, कब पेश की थी वगैरह वगैरह, सो दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आई थिंक आर जस्ट द बेसिक वन, और जो सिर्फ रूट मेमोराइजेशन पे फोकस करते हैं तो उनके लिए मैं सिर्फ हैंड आउट्स शेयर करता हूँ ग्रुप्स के अंदर, जबकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यू नो दैट यू हैव टू फोकसिंग मोर ऑन द सब्जेक्टिव पोर्शन। इनका सवाल यह है कि क्या कोई मखसूस बुक वगैरह वहां से अगर ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो सकती है तो, लेकिन यू आर फॉरगेटिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक प्रोफेशनल पेपर है आप लोगों का वो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ही है, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। I will share with you people the reference book also. It's no problem for me. Okay, Kashi Rao says that most of the answer keys are wrong in the
books. That's why I never suggest that you should follow a single particular MCQ book. इसकी बजाय आप extensive study कर लिया करें. जो मैं handouts वगैरह share करता हूँ फिर books में, तो वो specific होते हैं, relevant होते हैं और mostly जो है authentic sources से होते हैं. So that will help you a lot then. मेरी कोशिश होती है जिस तरह के काशिफ राव ने कहा इंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग. सो मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे दूँ आसान फहम मिसालों के जरिए, उन मिसालों के जरिए जहाँ पे आपकी बेस बन जाए. बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी मिसालें देना जो अगर आप लोगों को समझ ना आए तो उसका कोई फायदा ही नहीं है. सो मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को वो एग्जाम्पल्स दूँ या उन एग्जाम्पल्स से क्लैरिटी दे दूँ जो आपके लिए यूजफुल हो. You can also watch the feedback jo videos the maine group mein share ki to wahan pe aap dekhe. So participants were very happy ki jo misale hoti hain wo relevant hoti hai aur easy to understand hoti hai. So those who are interested they can join me and you have to complete the registration process by tomorrow kyunki parson se fir regular jo course hai ya training sessions hai wo shuru honge. Okay, Saranjam Khan, thanks a lot for appreciating, and hopefully it was the main motive behind starting these training sessions. कि जितना मैंने सीखा था तो मेरी कोशिश थी कि वो मैं दूसरों को भी फॉरवर्ड कर दूँ क्योंकि ये भी एक अमानत थी मेरे पास. Thank you so much for being with me. जो interested candidates हैं, they are again requested to complete the process by tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.